एक राइट मिल गया है। बुनस दियास और हर वक्त मेरा जिंदगी में ख्वाब था कि ऐसे किसी गाड़ी के ऊपर जाके ऐसे चिल कर। Let's explore Central America, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. एंड पनामा। इस सीरीज में दिखाने वाला हूँ मैं पूरा सेंट्रल अमेरिका, जहाँ पे मैंने रोड ट्रिप किया था टोटल 80 दिन और स्पेंड किया 1,00,000 से भी कम और देखे 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज सारे बाई क्रॉसिंग लैंड बॉर्डर्स एंड हैविंग फन ईटिंग एंड एंजॉय एंड पार्टी। सो लेट्स एक्सप्लोर सेंट्रल अमेरिका विद योर एक्सप्लोरर राजा। हेलो एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू एल साल्वाडोर। हम लोग एल सॉन्ते में पिछला वीडियो था बिटकॉइन बीच के बारे में और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले ला यूनियन। ला यूनियन जाने के लिए पहले हम लोग को जाना पड़ेगा एल सैन साल्वाडोर कैपिटल। या तो बस मिलेगी या फिर हिच करके राइड मिलेगी इस डायरेक्शन में। आज 8वां या फिर 9वां जनवरी, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया न्यू ईयर्स के, 2022 सब का कैसे चल रहा है कमेंट करो। ज़्यादातर गाड़ी उल्टा डायरेक्शन जा रहे हैं, इस डायरेक्शन मेरे को जाना है, इस डायरेक्शन में गाड़ी ही नहीं जा रही। वेट कर रहा हूँ, बस आए वो भी बढ़िया, लेफ्ट मिले वो भी बढ़िया। बाय द वे आपको लोगों को बता दूँ फिर से, एल साल्वाडोर को लोग बहुत ही डेंजरस कंट्री कहते हैं। अभी तक मेरे को बिल्कुल भी डेंजर फील नहीं हुआ, हो गया मेरे को यहाँ पे 8 दिन, चल रहा है ठीक ठाक। चलो हाथ दिखाते इसको। एक राइट मिल गया है, एक गाड़ी को हाथ दिखा रहा था फिर गाड़ी ने बाद में रोक दिया। होला होला बुनस दियास असलो दे आप पूरा लाली बता दे। ओके ई सन साल्वाडोर तम्बियन ता वो ओके स्ट्रीम Gracias. Feliz nove año. Gracias, igual. तो सैन एल साल्वाडोर की पहली चेकिंग राइड मिली हमको आज, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो दे ला इंडिया उत्तर देश देखो की लाली बता तो पहुंच गया पड़ा, बट अभी कन्फ्यूजन में हूँ। हिच हाइक करके चले जाओ ला यूनियन, सिर्फ 200 किलोमीटर है, या फिर बस ले लो, बस भी शायद आई थिंक $2-3 का ही होगा। ये कन्फ्यूजन में मैं फंसा हूँ। वेट कर रहा था राइड के लिए, तभी तभी बस आ गया तो बस में उठ गया। बस का लिया इसने कितना, बहुत कम लिया, 40 सेंट्स लिया। और फिर यार सैन साल्वाडोर वहाँ से बस पकड़ेंगे बजे दोपहर के 12, और वही बिजनेस टेक्नोलॉजी, हाथ में सामान पकड़ा देते हैं और फिर बोलते हैं कितना पैसा है और फिर लेना है तो लो वरना मत लो। वैसे तो हिचैकिंग नहीं कर रहा मैं, बस में लेके जा रहा हूँ, बट ये वाला राइड भी हिचैकिंग कैसे हो रहा है, ये तीसरा बस ले रहा हूँ दिन का, बस में अभी तक फाइनल बस नहीं लिया है ला यूनियन के लिए, पर ये वाला बस पड़ा 40 सेंट का, 30 रुपये, तो 30 रुपये करते करते 120 रुपये खर्च हो गए। डॉन पोयो से मैंने चिकन बर्गर और फ्राइज ले लिया था $2 में, अभी बस ले लिया ये एसी वाला $5 का। तो आगे अपने काउंसलिंग होस्ट के घर, और भाई गांड पड़ी पड़ी थी यहाँ पे आने के लिए, रात में चल रहे थे, बहुत
बहुत डार्क था, बहुत डर लग रहा था, बट अभी आ गए इस नेबरहुड में, अच्छा है। ऐसा होता है ना, कुछ नेबरहुड के आने के पहले थोड़ा डार्क एरिया रहता है, ऐसा डार्क पैच था, बट ये नेबरहुड थोड़ा सेफ है और होस्ट भी अच्छा, होस्ट नहीं है, होस्ट का फैमिली है और दूसरा का उत्सव पर भी है, बट हम लोग बाहर आ गए पुपूसा खाने, पुपूसा ढूंढते, पुपूसा खाते हैं। पुपूसा ढूंढने निकले थे, आलू की सब्जी लेनी पड़ रही है, सिर्फ हमारा क्या कहते हैं, हाँ तो दो साल मुझे साल तो फ्रेंच फ्राइज ले रहे हैं 40-35 रुपये में, 50 सेंट में, बस यही है। खाते हैं आप फिर हॉस्टल चलते हैं। Nicaragua is the Salvador is like the USA for Nicaragua people. Okay. Yeah, because we pay dollars. Okay. They earn dollars and they go to Nicaragua. Okay. But dollar is really. But the prices are cheap, so the pay is also less in El Salvador. Nicaragua is more. More cheap? Okay. Yeah, more cheap. More longer in Nicaragua. Yeah, cheaper. तो ये मेरे होस्ट का घर है और अपना खाना बन रहा है अभी एंड शी इज़ फ्रॉम मलेशिया ट्रैवलिंग। अरे मलेशियन पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है, मेरे को पता नहीं था इनको वीज़ा नहीं चाहिए होता है यहाँ पे आने के लिए, इनको यूरोप में भी जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए होता है, हम लोगों के साथ ही सारा झमेला होता है। मैं इसको पूछ रहा था तू कैसे आया इधर, बोला मेरे को तो वीज़ा ही नहीं चाहिए, और इसके बाद US का वीज़ा भी नहीं है, अलग ही सीन है। डिनर के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए जगह पे पार्टी करने, पर पता नहीं कौन सा जगह है, मेरे को लगा नहीं था कि रात के 9 बजे 9:30 बजे ये लोग बाहर निकलेंगे, आज फ्राइडे नाइट है, बट आ गए हम लोग तीन जन। भाई पार्टी खत्म हो गया है और हर वक्त मेरा जिंदगी में ख्वाब था कि ऐसे किसी गाड़ी के ऊपर जाके ऐसे चिल करके ब्लॉग करने का, आज मौका मिल गया है गाड़ी के ऊपर और एल साल्वाडोर में। स्वागत है आप सबका, एल साल्वाडोर का आखिरी शहर यह है ला यूनियन, और यहाँ पे हम लोग गाड़ी के ऊपर रात के 12:30 बज गए पार्टी करने के बाद। 2022 अच्छा कट रहा है अपना, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में, बकेट लिस्ट तो करो, बकेट लिस्ट से भी ज़्यादा मिलता है कभी कभी, आज वैसा एक दिन है। तो रात है, रात के 12:30 बज गए, हम लोग आ गए यहाँ पे डॉक पे, क्योंकि जो ला यूनियन है ये समुद्र के ऊपर है और यहाँ पे पोर्ट है, ऐसे तो ला लिबर्टाड उस पर भी पोर्ट है जहाँ पे आज हम लोग फर्स्ट हिचहाइकिंग राइड लेके रुक गए थे, बट यहाँ पे भी पोर्ट थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पे पार्टी हो रहा था, हम लोग इधर आ गए। एल साल्वाडोर में रात के 12:30 हम लोग ऐसे चल रहे हैं, और हम नहीं इधर बच्चे भी है, इधर बच्चे हैं, परिवार है, और लोग कहते हैं कि एल साल्वाडोर में खतरा है, बट खतरा किसके लिए, खतरा है लोकल्स के लिए। मैंने इतना पता किया है जो लोकल्स बोल रहे हैं कि लोकल्स को जब पता चले कि आप टूरिस्ट हो तो आप पे हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि टूरिस्ट पे अगर कुछ करेगा तो पुलिस चोर की गांड मार देगा, पर अगर लोकल पे कुछ करेगा तो पुलिस उतना दिमाग नहीं लगाता है, पुलिस बोलता है यार लोकल का ही तो लिया है, पर टूरिस्ट का नहीं ले सकते, ऐसा सीन है। गो 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 गो।
आप देख रहे हो लोकल एल साल्वाडोरियन म्यूजिशियन का म्यूजिक एंड एल साल्वाडोर। तो भाई एल साल्वाडोर का सबसे सेकंड मोस्ट पुराना चर्च है और ये अगले दिन रात है पार्टी के बाद हम लोग आगे कंचावा में। कंचावा एक छोटा गांव, छोटा सा टाउन है, बट ये तो सैटरडे नाइट है, ज़्यादा हैपनिंग लग रहा है इससे। ही वॉज सपोज टू कम, और भाई साहब ये है पुपुसा मेला। इतने सारे दुकानें पुपुसास के, इतने सारे दुकानें, क्या बताओ कितने सारे दुकानें पुपुसास के, सबको खा रहे। लगता है मेले में या फिर शादी में कोई बारात में आए, सब मेरे को घूर रहे कि मैं कैमरा लेके ब्लॉग कर रहा हूँ, बट इतने सारे पुपुसास, आज पुपुसास का मेला लगने वाला है। इतने सारे पुपुसास कभी नहीं देखे साहब। हॉट चॉकलेट पी रहे हैं और सच बताऊंगा तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा स्केची तो लग रहा है। टाउन अच्छा है, बहुत सारे लोग हैं, बट क्यों ऐसा फील आ रहा है कि यहाँ पे अभी कोई बंदूक लेके आएगा और धाड़ा धाड़ा धाड़ा। बहुत छोटा गांव है ना, बहुत ही छोटा गांव है। तो पुपुसास आ गए सबके, अलग अलग पुपुसास। ये आखिरी दो तीन दिन है जब हम लोग पुपुसास खाने वाले हैं। और ये पूरा एरिया पुपुसा से भरा हुआ है। मैंने आज लिया है लहसुन का पुपुसा और सुअर का पुपुसा। सी मेहर, ये इतना छोटा टाउन है यहाँ पे कि हर कोई को जानता है। अभी हम लोग इनके साथ चिल कर रहे थे, जिसका भी ये लोग मिल रहा है हाय हाय कर रहा है। बहुत ही छोटा टाउन है, हर कोई हर लोग को जानता है। वॉट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्मॉल ऑफ योर ला यूनियन population? ¿Cuánto gente tienes? En La Unión. Oh, I don't know, but 1 million. ¿Estás aquí? ¿En serio? No, creo que menos. Le pego yo, le pego a usted. Ah, मतलब 10 लाख ज़्यादा ही बोल रहे हैं, मेरे को तो ऐसे कम ही होगा। तो हर कोई को जानता है। ज़्यादा हो सकता है कि अभी होनरस से लोग इधर आते हैं। तो भाई साहब एल साल्वाडोर में भी गाड़ी चलाना हो गया। हर कंट्री में गाड़ी चलने का अलग ही मज़ा होता है। अभी एल साल्वाडोर में भाई साहब का गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, रात को मज़ा आ रहा है।